मैं जावेद शेख, मैं इंडियागो सोलार का एफिलिएट हूँ, यानी फ्रेंचाइज हूँ। और हमने ये 5 किलोवाट ऑन ग्रिड सोलार सिस्टम का प्रोजेक्ट किया है उस्मानाबाद शहर में। उसी के बारे में हम मालूमात दे रहे हैं। ये 5 किलोवाट का सिस्टम है जिसमें कि 15 पैनल लगे हैं। इसमें से 8 पैनल की पहली सीरीज़ है और ये दूसरी सीरीज़ 7 पैनल की है। और अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में बताते हैं हम लोग। थोड़ा ऐसे क्रॉस बैठना, दिख रहा है अच्छे से। ये माइक्रो रेल स्ट्रक्चर है, इसको रिवेट के ज़रिए से टिन शेड पे फिक्स किया गया है और साथ में इसके अंदर रबर गैसकेट भी है। इसके वजह से क्या होगा कि पानी लीक नहीं होगा शेड के अंदर। और इसको स्प्रिंग नट से फिक्स किया गया है और जितने भी कनेक्टर्स हैं, वायर हैं, इसको जिप टाई के ज़रिए, केबल टाई के ज़रिए से पैनल के ऊपर ऊपर वाले हिस्से में हमने फिक्स किया है ताकि जो पानी आएगा बारिश का वो उसको लगेगा नहीं और पूरी केबल्स ऊपर रहेंगे। और जितने भी केबल्स हैं जो यहाँ से नीचे जाने वाले हैं उनको हमने पीवीसी पाइप के ज़रिए से नीचे लेके गए हैं और साथ में हर हर पाइप को क्लैंप किया है रिवेट और गैसकेट के ज़रिए से, ताकि ये पाइप जब क्लीनिंग के लिए कोई बंदा आए तो उसके पैर को लग के ये डिस्टर्ब ना हो। इसलिए टोटली जितनी लाइन है इसको फिक्स किया गया है रिवेट और क्लैंप के ज़रिए से। इस तरह से ये बीच में जो भी केबल टाई है ये पूरे लगे हैं। इसके ऊपर बीच में कनेक्टर है, ये शेड शेड से ऊपर है ताकि पानी ना लगे। ये जो लाइटनिंग अरेस्टर है इसको इंसुलेटर के ज़रिए से अलग किया गया है बिल्डिंग से, और इसको पहले इंसुलेटर लगाकर इसको इस पर फिक्स किया है। और इसका सेपरेट जो वायर है नीचे से एक अलग से अर्थिंग पिट है, सेपरेट तो सेपरेट अर्थिंग पिट में इसका कनेक्शन है। अभी जितने भी वायर ऊपर से नीचे जाने वाले वायर हैं टोटली ये इंसुलेटेड है, ये पूरा पीवीसी पाइप के थ्रू गए हैं, एक भी वायर ओपन नहीं है कहीं पे भी। अभी ये पाइप्स के थ्रू ऊपर से ये डीसी केबल आ रही है नीचे, और ये 2 स्ट्रिंग है डीसी की, ये स्ट्रिंग 1 और ये स्ट्रिंग 2, और ये 2 इन और 2 इन 2 आउट वाला डीसीडी भी है। इसमें फ्यूज़ लगे हैं प्रोटेक्शन के लिए और सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस भी है इसके अंदर, और प्रॉपरली इसको अर्थ किया गया है। इसके बाद ये केबल ट्रे के थ्रू जा रहा है इन्वर्टर में। ये इन्वर्टर में ये 2 स्ट्रिंग जा रहे हैं अंदर। इन्वर्टर को भी प्रॉपरली फिक्स किया गया है यहाँ पे, और ये इसका आउटपुट है, एसी आउटपुट आता है इन्वर्टर के थ्रू। और ये इसका इन्वर्टर का अर्थिंग और इसका ये दूसरा वाला अर्थिंग प्रॉपरली अर्थ किया गया है इसको। और ये इसके बाद इसका जाता है एसीडीबी में। एसीडीबी में भी फ्यूज़ लगे हैं प्रोटेक्शन के लिए और सर्ज प्रोटेक्टर भी है, और साथ में उसका जब ये आउटपुट आता है ये जाता है हमारे एमसीबी और आरसीसीबी के पास। इसमें अर्थ प्रोटेक्शन डिवाइस भी लगे हैं ताकि किसी को इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे।